हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा। होप आपको पहले आईआर की जो वीडियो थी, जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें हमने प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था और आईआर स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था, वो आपको पसंद आई होगी। तो अब आगे हम स्टार्ट करेंगे मॉलिकुलर वाइब्रेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द क्वेश्चन विच कम्स इन 7 मार्क्स क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिकुलर वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या कहते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट है वो आईआर स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है, आईआर रेडिएशन को, तो उसके अंदर वाइब्रेशनल चेंज होते हैं। तो उसी पे हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। व्हेन ए मॉलिक्यूल आइदर हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट और शो चेंज इन डाइपोल मोमेंट इन एनी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन लेवल अंडरगोज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक फ्लो चार्ट से हम समझते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो मॉलिकुलर वाइब्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सपोज कि हमारा जो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स है उसमें या तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए या बॉन्ड लेंथ कम हो जाए, पर बॉन्ड एंगल के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, तो उन्हें बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन, जिनके अंदर मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल में चेंज आ जाए, या तो बॉन्ड एंगल कम हो जाए या बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाए, दैट्स कॉल्ड बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। बेंडिंग वाइब्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स, इन प्लेन बेंडिंग, यानी कि जब बेंड हो और प्लेन चेंज ना हो, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सीजरिंग वाइब्रेशन एंड रॉकिंग वाइब्रेशन। एंड सेकेंड वन ऑफ आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, यानी कि बॉन्ड एंगल चेंज होगा पर प्लेन भी चेंज हो जाए, तो दीज आर फर्दर टू टाइप्स, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन एंड वैगिंग वाइब्रेशन। तो इन्हें एक्सप्लेन करेंगे अभी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, दोज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन विच बॉन्ड लेंथ इज चेंज बट बॉन्ड एंगल रिमेन्स अनचेंज, यानी कि वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जिनमें बॉन्ड लेंथ तो चेंज हो जाए बट बॉन्ड एंगल चेंज ना हो, आर कॉल्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दोज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच आइदर बोथ द बॉन्ड स्ट्रेच और बोथ द बॉन्ड कंप्रेस आर कॉल्ड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग्स। देखिए यहां पर दोनों बॉन्ड स्ट्रेच हो गए, यहां पर दोनों बॉन्ड कंप्रेस हो गए, तो बॉन्ड ऐसी वाइब्रेशन को बोलते हैं हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सेकेंड वन इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दोज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच वन बॉन्ड स्ट्रेच एंड एनोदर बॉन्ड इज कंप्रेस्ड आर कॉल्ड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बेंडिंग के बारे में बात करेंगे। बेंडिंग वाइब्रेशन, दोज मॉलिकुलर वाइब्रेशन इन विच बॉन्ड एंगल चेंजेस आर कॉल्ड बेंडिंग वाइब्रेशन। These are further divided into two parts. In plane bending, in these या these takes place without change in plane. यानी कि जब bond angle change होगा वो plane change नहीं होगा, उसी plane में होगा। These are of two types. Number one, scissoring vibration. Those bending vibration in which both the bonds either approach each other or apart from each other are called scissoring vibration. क्योंकि जैसे एक सीजर करती है, या तो दोनों बॉन्ड एक दूसरे की तरफ जाते हैं या एक दूसरे से दूर, तो इसे बोलते हैं हम सीजरिंग वाइब्रेशन। डायग्राम में देखिए, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं बॉन्ड, या दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। सेकंड वन इज रॉकिंग वाइब्रेशन, दोज बेंडिंग वाइब्रेशन इन विच बोथ द बॉन्ड्स आइदर मूव लेफ्ट साइड और मूव राइट साइड आर कॉल्ड रॉकिंग वाइब्रेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों के दोनों बॉन्ड किस साइड मूव कर गए, लेफ्ट साइड, और इधर दोनों के दोनों बॉन्ड राइट साइड मूव कर गए। सेकेंड वन इज आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, इट टेक्स प्लेस विद चेंज इन प्लेन, यानी कि बॉन्ड एंगल चेंज होगा साथ में मॉलिक्यूल का प्लेन भी चेंज होगा। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, दोज बेंडिंग वाइब्रेशन इन विच वन बॉन्ड मूव्स अबव द प्लेन एंड अनदर बॉन्ड मूव्स बिलो द प्लेन आर कॉल्ड ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। तो आप देखिए, ये वाला बॉन्ड को हमने प्लस साइन से दिखाया है जो इंडिकेट कर रहा है कि अबव द प्लेन आ गया है, और माइनस साइन इंडिकेट कि ये बिलो द प्लेन चला गया है। नेक्स्ट वन इज वैगिंग वाइब्रेशन, दोज बेंडिंग वाइब्रेशन इन विच बोथ द बॉन्ड आइदर मूव्स अबव द प्लेन और बोथ द बॉन्ड्स मूव बिलो द प्लेन आर कॉल्ड
बैगिंग वाइब्रेशन, जैसे आप यहां देख सकते हैं छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने, दोनों प्लस का साइन, दोनों के दोनों बॉन्ड आगे आ गए और दोनों के दोनों बॉन्ड पीछे चले गए प्लेन के। इसको मैं एक बार आपको हाथ से समझा देता हूं कि किस तरीके से वाइब्रेशन होती है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बताते हैं, जिसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, वो होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जिसको हमने दो तरह की बताई थी, या तो दोनों बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए स्ट्रेच हो जाए, या दोनों कंप्रेस हो जाए, दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एक बॉन्ड का स्ट्रेच हो जाए दूसरा कंप्रेस, दैट्स कॉल्ड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। बेंडिंग, जिसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो जाए, बॉन्ड एंगल यदि इन प्लेन में हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड सीजरिंग लाइक दिस, या तो दोनों बॉन्ड एक दूसरे से दूर या दोनों बॉन्ड एक दूसरे के पास, लाइक विद इन द सेम प्लेन, सीजरिंग वाइब्रेशन। सेकेंड वन इज रॉकिंग, बोथ द बॉन्ड्स आइदर मूव राइट और मूव लेफ्ट, तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड रॉकिंग वाइब्रेशन। थर्ड, आउट ऑफ प्लेन में पहला आता है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का मतलब वन बॉन्ड मूव्स अबव द प्लेन एंड अनदर बॉन्ड मूव्स बिलो द प्लेन लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। एंड लास्ट वन इज वैगिंग वाइब्रेशन, इट मीन्स आइदर बोथ द बॉन्ड्स मूव अबव द प्लेन और बोथ द बॉन्ड्स मूव बिलो द प्लेन, दैट इज कॉल्ड वैगिंग वाइब्रेशन। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।